मतलब बोलिए। बोलने से आदर सम्मान दे रहे माताएं बताएं दादा दादी नाना नानी बाहर जाएंगे और उनको लगाएंगे और प्रवेश गाना करते हुए हम लोग अंदर आएंगे और रोहित को आरती उतारेंगे। तभी हम लोग लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने दो लाइन जाएंगे और बच्चे अंदर जाएंगे और गाने वाले बच्चे बाहर जाएंगे। एक याद त्योहार है, सिर्फ त्योहार के लिए आए हैं नहीं, जितना ईश्वर के पास नजदीक जाएंगे उतना आपके मन में शांति जगेगी, खुशी आएगा, आपको बीमारी है तो चंगाई मिलेगी। भक्ति करने वालों को ईश्वर कृपा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आज प्रभु यीशु आप लोगों को अपने दरबार में बुलाए हैं, आज से आप लोग प्रण लीजिए ईश्वर से, प्रॉमिस करिए, वादा करिए कि प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके घर आना चाहता हूँ, ठीक है। महीना में कितना रविवार होता है? चार या पांच। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर रविवार आप आइए, कम से कम महीना में दो रविवार एकदम जरूर आइए या तीन रविवार एकदम जरूर आइए, जैसे आपको पड़ता है। ईश्वर से जुड़े रहिए। अभी हम क्रिसमस कैरल के लिए घूम रहे हैं, हम सबका घर घर हमने घूमा है, हम सबको आपको जान रहे हैं, हम आएंगे सबका घर आएंगे। तो आज बहुत खुश हैं हम, आज हम लोग गंधार मठ पल्ली में माता पिता हमारे क्या बोलते हैं बुजुर्ग माता पिता का त्यौहार मना, अब सारे लोग माता पिता हैं, सबको आदर और सम्मान आज करेंगे और आपके लिए आज हिस्सा चढ़ाएंगे, विशेष रूप से आपकी सेहत के लिए और आपके परिवार में सुख शांति के लिए ईश्वर की आशीष और मां मरियम की छत्र छाया बनी रहे। तो अभी सम्मान का पहला प्रतीक हम लोग हमारे सारे माता पिता लोगों को कुमकुम से हम लोग सम्मान करेंगे, आरती कुमकुम टीका लगाएंगे आप सब में, उसके बाद में गाना गाते हुए प्रवेश करेंगे, उसके बाद में जैसे सिस्टर ने बताया है वेदी पर प्रवेश की और आप सब की आरती होगी, उसके बाद में निश्चय चालू होगा, ठीक है। तो अभी कुमकुम लगा दीजिए, गाना गाइए और लगाइए वेदी दर से बाया तरफ से। आनंद
क्योंकि वह हमारा मुक्तिदाता है। प्यारी बुद्धा पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे गंधारमठ पल्ली में बहुत ही हर्ष का दिन है, इसलिए कि आज हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी का पर्व मना रहे हैं। तो आज हमारे पल्ली में गंधारमठ पल्ली में प्रभु यीशु ख्रिस्त ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि आज ही के दिन
19 दिसंबर को हम लोग नाना नानी दादा दादी को सम्मानित करें, समारोह मनाएं। आप सभी खुश हैं और मैं भी खुश हूं और ईश्वर भी खुश है। तो प्यारे बंधुओं, आज के सुंदर दिन के लिए ईश्वर को तहे हृदय से धन्यवाद देंगे। ईश्वर को हमारे जीवन के लिए धन्यवाद देंगे, हमारे सुख दुख के लिए धन्यवाद देंगे कि मेरा हम लोगों की जिंदगी ईश्वर के हाथ में ही है ना। हम ईश्वर से आए हैं, ईश्वर में जीवन बिताएंगे और ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, ईश्वर में समा जाएंगे। और हमारे पास बचा ही क्या, हम खुद नहीं बचे तो बचा ही क्या। इसीलिए हमारी जिंदगी सीमित है और इस सीमितता में ही जीने के लिए प्रभु ने हमें संदेश देने आए। वो संदेश क्या है? मेल, प्रेम। सबसे बड़ी बात है प्रेम। यदि प्रेम है तो हम दूसरों की गलती को क्षमा कर पाएंगे, यदि प्रेम है तो दूसरों की बदबू को हम खुशबू में बदल सकते हैं। हम बोले एक बार, यहाँ पर हमारे माता पिता मानते हैं आप लोगों को, यहाँ पति पत्नी है, बाल बच्चे हैं, आपके घर में किसी का कपड़ा गंदा होता है तो खुशबू आता है? नहीं। बदबू आता है जी। लेकिन क्या वो बदबू आता उसको फेंक देते हो? नहीं। उसको धोते हो, चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, फेंक देते हो? नहीं। वही हाथ से जिसका हम प्रयोग करते हैं खाने में, पीने में, पकाने में, पहनने में, ओढ़ने में, हर काम करने में, वही हाथ से हम करते हैं काम धंधा, करते हैं कि नहीं जी? देखिए, हम उस समय बदबू को भूल जाते हैं और किसी के शरीर से कुछ आया दूसरे घर से, चाहे किसी के आंच से, और अपने ही घर की गंदगी तो हम भूल जाते हैं ना, दूसरों को हम बोले हो ना। तो इसलिए मैंने कहा नाना नानी दादा दादी यहाँ पर बैठे हैं, उनका शरीर आज उठ गया है, चमड़ी आप लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ, तो हमारे ईश्वर की दृष्टि में तो वो लोग जवान हैं। आप अपने घर में व्यवहार करते हो वैसा है ना, जैसे भागो वहां से जाओ, एक कदमा भाग नहीं देंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी में क्या काम कर दिख रहे, स्मार्ट दिख रहे हैं, उन्हीं के बुक से तो आए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे उन्हीं के द्वारा हम आए इस पृथ्वी पर। वो लोग नहीं चाहते तो हम इस नहीं होती, जब कोई दवा बिरो खा के गला देते पेट में है ना। लेकिन हम लोगों को चाहिए माता पिता, और हम आज हम उसी को हम क्या कहते हैं, खराब है, खराब है, गंदा साड़ी पहनते, गंदा साया पहनते, पहनने नहीं आता है, हाथ मुँह नहीं धोती है, दत्तू परस नहीं करती है, बाल नहीं करती है, खाना नहीं पकाते, सब्जी नहीं पकाते, हटाओ उसको जा। सबको सम्मान करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यह दिन देखने को हमें ईश्वर ने दिया है कि हम एक साथ प्रभु की छत्र छाया में पले बढ़ें और जीवन खुशहाल बनाए, मेल प्रेम शांति से जिए। तो जिस किसी के घर में भी यदि ऐसी बातें हैं, जो परिवार टूट रहा है या टूटा है, अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, तो आज प्रभु यीशु उसको जोड़ने जा रहे हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने आशीष के द्वारा। हम अपने घर में यदि इस तरह के जाने अनजाने में ऐसा व्यवहार होता है हमारे माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, तो आज अपने आप को जान लीजिए कि मैं कहाँ तक ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य हूँ, क्योंकि हम सभी लोग एक दिन शोध किए जाएंगे, वो जल्दी हुई आग में भुने जाएंगे। जितना हमारा पाप का मात्रा है तौलेंगे तो उतना ही हम भुने जाएंगे। मैंने भी मेरे माता पिता को जब जिंदा थे तो मैंने भी डांट फटकार करता था, क्योंकि दारू आड़ी पीते थे तो हमको पसंद नहीं आता था ना। तो अभी पछतावा होता है मुझे, मेरे माँ बाप तो मर गए है ना, कि क्यों मैंने ऐसा किया। आप ऐसे किए हो क्या कभी आपके घर में? नहीं। मार भी नहीं किए हो? नहीं। खाना पीना डाहे डाहे नहीं हो? नहीं। ना ना मत बोलिए, अभी भी होता है, पति पत्नी के बीच में तो प्रेम संबंध नहीं है, खाली सोते हैं केवल, उसमें प्रेम है ये नहीं है। दिन भर लड़े झगड़े खिंचाखिंची हो जाओ, शाम को जबरदस्ती जाओ वहां पर निदान सोने के, होता है कि नहीं? झूठ मत बोलिए, मैं आपका मुख से आया हूँ है ना, आपके बीच में हर कुछ बोल सकता हूँ।
आप समझते हो, शर्माने की कोई बात नहीं है। आज हम लोगों को परखना है मेरी मम्मी को मैं कैसा व्यवहार दिखाता हूँ, मेरे पापा को मैं कैसा व्यवहार दिखाता हूँ, जिसके कोप से मैंने आज आया है। तो कृपया, हम सभी मानव हैं, गलती होती है, हम दोष नहीं दे रहे हैं, गलती होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, क्यों हमारा परिवार आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा बहुत होगा, है ना। फिर बर्तन जब मांजते हैं और रखते हैं चिलमची में, क्या बोलते हैं, बर्तन रखने वाला में, तो भी तो बस थोड़ा से कल्चर उठा दो तो झड़ांग झड़िंग बजता है, बजता है कि नहीं, सबको तो नहीं छुए हैं, एक दो गिलास निकाल के सब झड़ांग झड़िंग बज रहा है। तो परिवार आगे बढ़ने के लिए, परिवार अच्छा मजबूत बनने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परिवार में थोड़ा बहुत ऐसे उतार चढ़ाव होना है, डांट फटकार होना है, तब तो हमारा घर चलेगा। लेकिन ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। माता पिता जी, और इस ठंडा काल में मैं ठंडा बोल रहा हूँ, आप सबको बुलाया हूँ तो माफी चाहता हूँ। हम लोग ईश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे, गर्माहट महसूस करेंगे, और आज के दिन को और आने वाले दिन में पर अभी परा गया उसके बाद में, तो हम लोग आज ईश्वर से वादा करते हैं, प्राण करते हैं, हम ईश्वर के पैर तले हम आए हैं, उसके आशीष पाने के लिए तो हम जरूर ईश्वर के हाथ को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर के चरणों में हमेशा आएंगे और उसके आशीष पाएंगे। आप सभी को सम्मान मैं प्रकट करता हूँ और ईश्वर के आशीष के लिए दुआ करता हूँ। प्यारे बंधु, यह मिसा बलिदान हम लोग हमारे सारे यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सारे माता पिताओं के लिए चढ़ाएंगे। प्रभु आप सबको आज सब कृपा प्रदान करें, जो बीमार है उनको चंगाई प्रदान करें, जो बुढ़ापे से लाचार है, शक्तिहीन है, उनको प्रभु शक्ति दे, चलने फिरने की हिम्मत दे, धैर्य दे, और इस ठंड में होने वाले हर प्रकार की छोटी बड़ी बीमारी से सबों को सुरक्षित रखे, ठंड से बचाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे बंधुओं, हम सभी पापी हैं, जाने अनजाने में जो बात मैंने कही है, आइए अपने दिल को हम लोग उठा कर देखें और अपने किए हुए सारी बुराइयों के लिए पापों के लिए गुनाह के पश्चाताप करें और अपने मन और दिल को शुद्ध करें कि हम प्रभु यीशु को साक्षात हम परम प्रसाद में ग्रहण कर पाएंगे। अपने परिवार के विशेष मतलबों को हमारे गंधार मतपल्ली के हर गांव के हर परिवार हर सदस्य अपने रखेंगे। प्रार्थना कीजिए आत्मविश्वास बलिदान को हमारे नाना नानी दादा दादी जो जीवित हैं और जो इस संसार से गुजर गए हैं, सबके लिए प्रार्थना मिसा बलिदान चढ़ा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। जो जीवित हैं उनको प्रभु सुख शांति दे, स्वस्थ लाभ प्रदान करे, शक्ति दे, धैर्य दे और हर प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा दे और परिवार में मेल प्रेम शांति और एकता प्रदान करे। और जो इस संसार से गुजर गए हैं प्रभु उनके पापों को क्षमा करे और उनकी आत्मा को शांति दे और दुखित परिवार को सांत्वना और दिलासा दे। अपने अपने विशेष मतलबों को रखें। अपने सारे पापों के लिए जो जाने अनजाने में हमने किया है सच्चे हृदय से प्रस्ताव करें और ईश्वर से प्रार्थना से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बंधु, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने के तुम्हारे धन्य मैं सर्व दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर की एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु ने मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों प्यारे बच्चों, किसी का कहा हुआ वाक्य को या शब्द को मैं दोहराना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हम इसको बहुत ही अर्थपूर्ण समझते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो, ना शक हो, ना अपना हो, ना पराया हो, ना दूरी हो, ना पास हो, ना जात हो, ना जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास हो। समझ गए? क्या समझे? ना जात ना पात हो, प्रेम प्रेम हर चीज से परे हो। हाँ, प्रेम सबसे बड़ा चीज है। प्रेम प्रेम है तो अपनापन है, प्रेम नहीं अपनापन नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, कितना बड़ा भाषण दिया शुरू में, अपनापन की भावना है वहां फूट है कि नहीं। मैं कपड़े बदबू और खुशबू का उदाहरण दिया कि नहीं, अपनापन है तो कितना भी बदबू है खुशबू में बदल जाता है ना। अपनापन की बात मैंने कहा। और एक बात सुनिए, वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। कौन रिश्ते? अपनेपन की रिश्ते, अपनेपन अपनेपन के रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिसमें ना हक हो पति पत्नी में। हाँ, मेरा माए बाप ने सोना दिया है, हार दिया है, मेरे हाथ में रहेगा। पति कहता है दारू पीने के लिए लाओ, थोड़ा गिरवी में दे के थोड़ा एक बोतल ले लूंगा ना, तू मेरी हो, तेरा जायदाद मेरा रकम रुपया पैसा जेवर मेरा है। पति कहता है मेरा है, तुम मेरे हक के हो, मेरे हक में हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है।
जहाँ हक हो वहाँ फूट है, इसीलिए बोलना है जिसमें ना हक हो वो रिश्ता जिसमें अपनापन हो, जहाँ ना हक हो ना शक हो तो परिवार बनता है नहीं। अभी का जमाना में पति पत्नी के बीच शक चलता है बहुत जोर से, इसीलिए रिश्ता टूट रहा है, शादी टूट रही है। एक महीना के तुरंत बाद शादी टूट जाती है, दो महीना के बाद, एक साल होते होते शादी टूट जाती है। क्यों? सर का कारण क्या है? पहले शादी टूटती थी नहीं, टूटती थी पहले, अभी क्या है सर का कारण? स्मार्टफोन, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और क्या ना क्या है, ठीक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है ना। तो हम लोग फोन रहते हैं, पत्नी के पास अपना स्मार्टफोन, पति के पास अपना स्मार्टफोन, बच्चा के पास अपना स्मार्टफोन, सब ऑन ऑन है तो सब दिखते हैं ना। आपका ग्रीन लाइट दिखा देगा, मैं रात भर जगे रहूंगा, आप देखोगे मेरा ऑन चालू रहेगा, मैंने मेरा नेट चालू रहेगा। हाँ फादर अभी तक नहीं सोए, क्या कर रहे हैं, हालत व्यस्त है। तो पति पत्नी बाल बच्चों के बीच में सर हो जाता है तो परिवार टूटता है, विशेषकर पति पत्नी मोबाइल स्मार्टफोन रिश्ता दूरी हो जाता है। तो कृपया मोबाइल फोन से खिलवाड़ ना करें, और कभी भी कोई अपनी पत्नी मोबाइल देख रही है, नेट चालू किए, तो पति कभी नहीं करना शक करना चाहिए कि अपने दूसरा पति से बात कर रही है, या पत्नी भी कभी पति को शक नहीं करना चाहिए कि वह दूसरे लड़की से औरत से चीख बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, और आपको कभी कभी वो शक के बदले आपको क्या करना है, सामने सामने बात करना है, मजाक मजाक में, तो उसमें शक की भावना नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है वो रिश्ता प्यारे होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, जिसमें अपना मन की भावना हो, जहाँ शक भी ना हो, जहाँ हक भी ना हो, जहाँ अपना भी ना हो, ना पराया भी ना हो, मतलब अपनापन है ना, ना दूरी हो ना पास, ना जात हो ना जज्बात हो, ना जात पात है तो ऊंच नीच है ना, सारे नहीं है तब भी अपने पास। एक सबसे बड़ा चीज हमारे मन में आना है, हमारे मन में बसना है, सुनना केवल नहीं, सुन के कान से बाहर नहीं, हमारे पास स्वभाव होना चाहिए, व्यवहार नहीं, हमारे पास क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, व्यवहार नहीं। स्वभाव हमारे जड़ से आते हैं और व्यवहार दुनियादारी से आते हैं। स्वभाव अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है, स्वभाव ही अच्छा गुण है, सद्गुण है, और व्यवहार खराब गुण खराब है ना। अभी मैंने पूछा था आज क्या दिन है जी, कोई नहीं बोल रहा है, सब व्यवहार है। आपकी स्वभाव होती सीखते आप नाना नानी दादा नानी बोलने के लिए, तब होते दादा दादी का परम है फादर, नाना नानी का परम है, ये स्वभाव है। आपने स्वभाव को तेल नहीं डाला गया है कि वो स्वभाव कर दिया जलते रहे, संस्कारी गुण। हम लोग व्यवहारिक जीवन जीते हैं ना, समझ रहे हो, कभी सुने थे स्वभाव और व्यवहार में अंतर? शायद नहीं ना? स्वभाव बुलबुला होता है, मीठा होता है, व्यवहार खट्टा होता है, तीखा होता है ना, छेद करने वाला होता है। तो प्यारे बंधु, सुसमाचार में हमने सुना एलिजाबेथ के पास मरियम जाती है, साक्षात जा रही है कुटुंब के यहाँ, और जब एलिजाबेथ को अभिवादन करती है, जो आलिंगन करती है, तो क्या होता है, एलिजाबेथ को पता चल जाता है, महसूस होता है अरे ये अद्भुत महिला आई है ना, अद्भुत महिला आई है। कैसे? जब ये आई तो मेरे पेट में गर्भ में कुछ कुछ हो रहा है, उनको पता ही नहीं, तब जान गई कि वो उसके पेट में कौन है, शिशु है, जिसका नाम यीशु है। एलिजाबेथ यीशु को जन्म दिया है, कौन करता साथियों,
हे भगवान यौहन सब विचलित हो गए मेरी आवाज सुनकर। संत यौहन सबसे पहले तब उसके यीशु की अगवानी करने आते हैं। चलो उबड़ खाबड़ रास्ते संतल करो, नदी घाटी संतल करो, पहाड़ पर्वत छील दो, पेंट कर दो, क्या भी नहीं ना, रगड़ दो, पेंट कर दो और बुरोटो जैसा दिखा दो, समझ रहे हैं ये चीज। तो क्या माता मरियम कहीं साक्षात हम आपके पास जाएंगे, जय जो करेंगे तो आपको आनंद लगेगा कि नहीं? आप आओगे तो आनंद लगेगा कि नहीं मुझे? सब सब कुछ हमारे खट्टा मीठा सब दूर हो जाएगा और आनंद से परिपूर्ण प्रफुल्लित हो जाएंगे हम लोग। तो वहां माता मरियम गई एलिजाबेथ के पास, तो एलिजाबेथ गदगद हो गई। उसके गर्भ का फल जो यौहन था वो मालूम हो गया कि वो मेरे गर्भ में शिशु है। आप नारियों में धन्य हैं, आप एक पुत्र प्रसव करेंगी, वो संसार के मुक्ति दाता होंगी, ये भावना उनमें आ गया। तो प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम के साथ कौन गया एलिजाबेथ के यहाँ? कोई गया नहीं? गया यीशु गया है नहीं जी? आए दे माता मरियम यीशु के लेके गई। आप तो माता मरियम को देखे हो, यीशु के गर्भ में है, वो आनंद दिया है, समझे? तब ना एलिजाबेथ करती है। तो आपने नारियों में धन्य है, आपसे होने वाले पुत्र होंगे, वो संसार के मुक्तिदाता यीशु मसीह होंगे। हम लोग भूल जाते हैं, अभी गांव गांव हम लोग कैरल सिंगिंग जा रहे हैं गाने के लिए, हमको बड़ी आनंद बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूरे जितना भी गांव गया बड़ी अच्छा से आप लोग हमें स्वीकार किए हैं, यीशु को स्वीकार किए हैं। कल अधिकतर झूम झूम के 10:30 बज गया ना, यीशु गए हैं, हम लोग तो ऐसे ही गए गाना बजाने के लिए। यीशु वहां गया है, आपके घर में गया है, यीशु अदृश्य रूप में गया है। प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्ग माता पिता, सम्मानित माता पिता, हमारी जिंदगी में भगवान का होना अति आवश्यक है कि नहीं? जी फादर। जिस तरह से हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे घास फूल सब देखते हैं हरियाली में, उसको कोई चीज की जरूरत है नहीं? कैसे हरा दिखता है, क्यों हरा दिखता है, कारण बताइए। पानी है ना, पानी मिलता है उसको, है ना? वो परमेश्वर पानी देते रहता है समय समय। अभी बारिश नहीं हो लेकिन उसका ठीक पानी के तो और हरियाली। अभी चना है मसूर है, इसके लिए पानी चाहिए, बरसात चाहिए, सीख पानी से आता है ना, सीख पानी से हमेशा लोगों को उनकी देखभाल करते हैं, हरियाली रखते हैं, कोई परवाह नहीं। क्या हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह का दरकार है? दरकार है तो है, किसलिए किसलिए दरकार है? कभी आप मुरझाते हैं, मुरझाते हैं कभी उपेंद्र के दिनेश क्या उपेंद्र कभी मुरझाते हैं, कभी उदास होते हैं? आपको मुरझाना मतलब उदास होना, दुखी होना है ना? जब दुखी होते हैं तो हमें ऊर्जा डालने के लिए, हिम्मत डालने के लिए, पानी डालने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन खाएंगे तो हमें और ताकत आएगा और बोझा ढोने चले जाएंगे, काम करने चले जाएंगे ना। और क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई चीज की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है? यीशु मसीह है, यीशु मसीह। हम मुरझा जाते हैं पेड़ों की तरह, सूख जाते हैं डालियों की तरह, लेकिन टूटते नहीं हैं। जब हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इस तरह के नौबत आते हैं, हम हर तरह से हार जाते हैं, तो किसको गुहार लगाते हैं? भगवान को गुहार लगाते हैं। तो आज वो भगवान जिस तरह से माता मरियम एलिजाबेथ के पास गई और ऊर्जा लाई है उनके परिवार में, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह आज हम लोगों से ये वचन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं,
कि हम भी एलिजाबेथ आंटी के समान जो जीवन में कभी जानी नहीं थी कि उनके गर्भ के फल भी होंगे, वो महान होंगे जो प्रभु की अगवानी करने आएंगे। जब प्रभु यीशु की माँ मान रही है तभी उनको मालूम हुआ, तो हमें भी इस तरह की यीशु की कृपा चाहिए, यीशु की सहायता चाहिए, यीशु के छत्र छाया चाहिए। हम तो जी रहे हैं, जिएंगे, लेकिन क्या हम ईश्वर के बिना सुख शांति से जी पाएंगे? आप ही बताइए कि आप जब गिरजा नहीं आए थे, बहुत सारे लोग कभी नहीं आए थे, क्या ये मौका कभी आपको मिलता? आज आई है नहीं मिलता, आप प्रभु के साथ बैठे हैं, आनंद लग रहा है ना? तो हमसे कम एक दिन प्रभु के लिए यदि हम समय लेंगे तो हमारे जितने भी घर परिवार में व्यक्तिगत जीवन में दुख कष्ट और तकलीफ है वो खुशी शांति और सांत्वना में बदल जाएगा। हम प्रभु के लिए समय देंगे, हमारी वो सारी कष्ट और परेशानी और मुसीबत दूर होते हैं। दूर होने का मतलब क्या है कि प्रभु हमें वो ज्ञान देते हुए विवेक और बुद्धि देते हैं कि हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, उसका जड़ क्या है। यहाँ पर उसकी जड़ पता चलती है। हाँ, किसी के बीच, मम्मी पापा के बीच, सास और बहू के बीच यदि अनबन है, खटपट है, तो उसका कारण यहाँ पता चलेगा, घर में नहीं। घर में तो और बढ़ेगा, जल्दी रात में फिर से पेट्रोल छिड़कने के समान। और यहाँ आएंगे तो उसका जड़ पता चलेगा, अपने अवगाहन पता चलेगा कि हाँ वहाँ मैंने बहू से लड़ाई की, गाली गलौज दे दी, क्या वो बहू की गलती थी और क्या मेरी खुद की गलती थी? तो यहाँ प्रभु आपको सोचने के लिए और कृपा प्रदान करेंगे, आप समझ पाएंगे नहीं लड़ाई करने का कारण, गुस्सा करने का कारण नहीं थी, नहीं छोटी सी बात के लिए मैं बोल रही ऐसे, उसको बोलना था ऐसा। ऐसे ही पुरुष के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है। तो ये है वो जगह जहाँ से हमें प्रभु कृपा देते हैं कि हम अपने आप अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं और समझ जाते हैं हमारी अपनी अहंकार। क्यों मैं गुस्सा करता हूँ, क्यों मैं गाली गलौज करता हूँ, क्यों मैं लड़ाई करता हूँ? यहाँ पर प्रभु हमें बताते हैं, हाँ स्टीफन आपकी गलती है, आपके द्वारा ये चीज शुरू हुआ, तो फिर क्यों दूसरों को आप अंगुली दिखा रहे हो? ये सच्चे जीवन की बात। तो प्यारे बंधु, हमारे जीवन में हर पल हर क्षण एक पल आएंगे, उलझने का पल आएगा, दुख होने का पल आएगा, गुस्सा करने का पल आएगा हर समय, क्योंकि हम इंसान हैं। वो व्यवहार हमें उस मुकाम पे लाएगा कि हमें उस तरह का व्यवहार करना है। याद रखिएगा, स्वभाव और व्यवहार में अंतर है। तो हमेशा व्यवहार के अनुसार अपने जीवन को चलाना नहीं है, व्यवहार के अनुसार अपने जीवन को जीना नहीं है, लेकिन उस स्वभाव को, जो स्वभाव हमारे माता पिता जो अभी जीवित हैं और चले गए, उनके माता पिता जो उनके जीवन में गढ़ दिए हैं, उस स्वभाव को हम याद करें। हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? माता पिता को आदर सम्मान, बड़ों का आदर सम्मान करना है, बराबर वालों को प्यार देना है, छोटों को स्नेह करना है, वो स्वभाव है, वो प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियों का स्वभाव है। और उसी को हमारे व्यवहार में लाना है तो हम स्वाभाविक और विवेकी बनते हैं। व्यवहार तो हमें नरक दंड के योग्य बनाता है, लेकिन स्वभाव जब व्यवहार में बदल जाता है तो हम स्वर्ग भोगते हैं, सुख भोगते हैं। हम एलिजाबेथ के वचन को आज अपने दिल में लेके जाएंगे। जिस तरह से मरियम उनके पास जाती है और उनके गर्भ का फल शिशु उछलता है, आलिंगन करती है, तो कहती है आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। आज दादा दादी नाना नानी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने शुरू में कह दिया, जिस घर में भी यदि अनबन है,
फूट है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये सब आना नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन उससे निपटारा पाना सबसे बड़ी बात है। किसी को सॉरी कहना, किसी को माफ देना सबसे बड़ा पहाड़ है, लेकिन सबसे आसान है। हम बोलते सॉरी, हमसे गलती हो गई, ये मेरी ना समझी थी, इसमें आपकी महानता बढ़ती है, आप महान होते हैं। और परिवार पुनः प्रेम के रस्सी में बंध जाता, अपनेपन की रस्सी में बंध जाता है और परिवार पुनः नई शुरुआत करता है। हर जगह हर रस्सी जो टूटता है, हर रिश्ता जो टूटता है फिर से बनता है, बनता है कि नहीं? लेकिन पहले जैसा रिश्ता में जो मीठापन और सादगी आती है, नहीं आती, टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, आइए हम इस प्यार के रिश्ता को, प्यार के बंधन को तोड़े नहीं, बनाते रहे। बनाने के लिए ईश्वरी कृपा हम क्या करें, लेते रहे। ईश्वरी कृपा लेने के लिए हमें प्रभु के लिए समय देना है, जाना है, प्रभु वचन को सुनना है, प्रभु वचन को सुनना है। तभी आप नहीं चाहते हुए भी वो ईश्वर की कृपा और वचन जो है हमें उस ओर हमें झुकाव डालेंगे। कितना भी आप क्या उदंड रहिए, कितना भी आप घमंड रहिए, वो घमंड चूर होगा ही। आप ईश्वर के पास आए, नहीं मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मेरे हर बात से लोग गुस्सा करते हैं, मेरे हर बात से लोग रूठते हैं, मेरे हर बात से परिवार में कलह होता है, मेरे हर आवाज से लड़ाई होता है, क्यों ऐसा होता है? आप नहीं चाहते हो ना कि इस तरह की जिंदगी जीने के लिए? आप सवाल पूछिए, यहाँ आए तो वो सवाल उठेगा कि क्यों हर बात पे, हर आवाज पे लोग हमसे नाराज होते हैं, रूठते हैं, गुस्सा आता है, लड़ाई हो जाता है, क्यों? मैं कैसा इंसान हूँ? प्रभु आप कुछ करिए, मैं आपका बस इतना ही बोलूंगा, एक ही वाक्य, प्रभु मेरे जीवन में कुछ करिए, मैं आपका। तो वही चीज अपनापन में बदल जाता है। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे गंधारपल्ली और हमारे गांव घर के दादा दादी, नाना नानी, सभी लोगों को ईश्वर के चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से यीशु ख्रिस्त के दादा दादी थे, नाना नानी थे, कितने अच्छे से प्यार और दुलार दिया, उनके संरक्षण में रहे, हमें भी प्रभु कृपा दे कि हम भी अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ, अपने माता पिता के साथ सुव्यवहार करें, मेल प्रेम से रहें, जहाँ नरक नहीं लेकिन अपने ही घर में स्वर्गीय आनंद सुख शांति हम अनुभव कर पाए। आइए हम मरियम को अपने दिल में महसूस करें और लोगों को मरियम का प्यार बांटें, क्योंकि प्रभु के साथ उनका रिश्ता मजबूत है, जिसमें ना शक है, ना पराया है, ना दूरी है, ना जात पात है, ना जज्बात है, सिर्फ अपनेपन का एहसास है। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके लौके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, वाणी में से जन्मे, पौंडस का उसके समय दुख होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और उसमें उतरे, तीसरे दिन उठने से जीवित, स्वर्ग सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और इनको बनाए रखने को फिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर धनियों के संबंध पाओ की क्षमा पुनर्धारण जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हम दयालु पिता ईश्वर के पास उनसे प्रार्थना करें, जिसने एक अद्भुत मुक्तिदाता को हमारे पास भेजा, जो मरियम नामक एक असाधारण कुमारी स्त्री से पैदा हुए। हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे माधर्मादि सेबास्टियन,
सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे मनुष्यों के मुक्ति कार्य के लिए मानव शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आश्रित हो। हम निवेदन करें, हम अपने इस ख्रिस्ती समुदाय के लिए प्रार्थना करें ताकि जब हम ख्रिस्त जयंती की तैयारी करते हैं तो हम ईश्वर के द्वारा हमारे बीच भेजे गए अद्भुत मुक्तिदाता यीशु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। हम निवेदन करें, हम यहाँ उपस्थित अपने प्रत्येक ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम नित्य यह अनुभव कर सकें कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय तथा गैर ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे इस ख्रिस्त जयंती की अवधि में आनंद तथा कृतज्ञता के साथ यीशु को स्वीकार कर सकें। हम निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज मैं हार्दिक दिल से हमारे बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आप उन सभी पर अपने सामर्थ्य प्रदान कर पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग दर्द और पीड़ा से परेशान हैं, बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, सुनने में तकलीफ है, हे पिता परमेश्वर, आप हर व्यक्ति को स्पर्श कीजिए और अपनी आश्रय कृपा प्रदान कीजिए, उनके दुख दर्द को दूर कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, उन्हें धैर्य और हिम्मत दीजिए जिससे कि सभी लोग आपकी छत्र छाया में स्वस्थ पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम निवेदन करें, यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इन सब में आपके प्रति प्रेम और उत्साह भर दीजिए, उनके विश्वास को मजबूत कीजिए जिससे कि वे सभी लोग प्यार का जीवन, अपनेपन का जीवन अपने घर में, अपने गांव में, अपने परिवेश में, अपने पड़ोसियों के साथ जी सके। हम निवेदन करें, पिता परमेश्वर ठंड में हम सभी लोगों को आपकी छत्र छाया प्रदान कर, इस ठंड में होने वाले हर प्रकार की बीमारी, महामारी से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से और हर प्रकार की अनहोनी से प्रभु सभी लोगों को सुरक्षित रखिए। और जब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, हमारी इस तैयारी में पल पल के समय में हर कार्य में आपकी आशीष हो जैसे कि सब कुछ अच्छी तरह से हम तैयारी कर सकें और क्रिसमस पर्व को अच्छी तरह से मना सकें। हम निवेदन करें, पिता हमारे प्रार्थना सुन। आप लोग भी अपने जरूरतों को ईश्वर को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमारी मुक्ति के लिए योजना बनाई कि तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे सदृश एक मानव का रूप धारण कर हमारे बीच आए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन तेरी सत्यता की खोज करने और विश्वस्त पूर्वक सदैव तेरी इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता कर, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। Oh,
प्यारे माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति मांगे मांगे दे और हमारे नाम से समस्त परेशान के आपके लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु तेरी वेदी पर अर्पित इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल, हमारे हाथों के ये तुच्छ दान तेरे सामर्थ्य से पवित्र हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद दे हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, हमारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्मा ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दुनुतुन और महादुनुतुन सिंहासन और साम्राज्य स्वर्ग सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूजा हाथों में रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति बोलने के बाद उन्होंने राक्षस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और से अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित हुए और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुखी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को, हमारे अपने माता पिता और हमारे गंधार मठ पल्ली के जितने भी लोग, हमारे चुटके लोग, हमारे घर से माता पिता, भाई बहन, बालक, कोई भी संसार से गुजर गए हैं, जिसका निधन हो गया है, हम उसको याद करते हैं आज नाम से। सबकी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन माता पिताओं, भाई बहनों और अनजान लोगों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर आज के हमारे विशेष मतलबों पर, विशेष रूप से आज हम नाना नानी, दादा दादी, हमारे बुजुर्ग का समारोह मना रहे हैं, उन सबको प्रभु भरपूर आशीष कृपा प्रदान करें, उन्हें शारीरिक तंदुरुस्ती प्रदान करें, उन्हें दुख दर्द पीड़ा से उन्हें संभाले, सानी की शक्ति दे, जो बीमार है उनको चंगाई प्रदान करे, जो दुखी है उसको शांति दे, सांत्वना दे, दासा दे। और हमारे विशेष मतलबों पर भी, हमारे गांव भर के सभी लोगों के मतलबों पर भी दया दृष्टि रखो, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके ऊपर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम लोग एक श्वास से प्रार्थना करेंगे। आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल पर हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं से, विषैले जीव जंतुओं से, समाज में असामाजिक तत्वों से, ईर्ष्या द्वेष घमंड अहम ठंड से, ठंड में होने वाले हर प्रकार की बीमारी महामारी से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से, और पारिवारिक व्यक्तिगत और सामुदायिक कला और जन्म से तथा हर प्रकार की बुराई से हम आपकी कृपा से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि और आज हम लोग उसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारी कमजोरियों और पापों पर नहीं, अपनी करिश्चर हम लोग उनके विश्वास पर दया दृष्टि दान, तू युवानियों जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे, परस्पर प्रेम भाव रखिए, विश्व की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के और लोगों के पाप को क्षमा करते हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जीवनदायी वचन से अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में अपनेपन या अपनापन का भावना पैदा करने के लिए आज हमें प्रेरित किए हैं, ज्योति जलाए हमारे दिल में। यदि हम जीवन में शांति और प्रेम पाना चाहते हैं, सुख और चंगाई पाना चाहते हैं, तो हमें अपनापन की भावना से अपने जीवन को जीना है। आज प्रभु हमें इसी वचन पर हमें प्रकाश डाले हैं, तो आइए हम वही प्रभु यीशु के वचन को अपने दिल में ग्रहण करें और ईश्वर को अपने हृदय में स्वागत करें और कहें, आइए प्रभु मेरे दिल में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारे गांव में आइए, हमारे पड़ोस में आइए, कि हम सभी लोग आपकी कृपा से मेल प्रेम शांति और भाईचारा के साथ अपनापन की भावना से हम एक दूसरे को प्यार कर सकें और अपना जीवन खुशहाल बना सकें और क्रिसमस की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। आइए प्रभु, आइए प्यारे बंधु, आइए हम अपने हृदय ईश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पौत्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुनी हूं प्यार में आए, किंतु ये सब कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
Bobby.
शुभकामनाएं। खुश परब। खुश परब। सब लोग बोलिए खुश परब। आज 19 दिसंबर है, आगमन का अंतिम और चौथा रविवार। आज हम लोग हमारी पल्ली में हमारे नाना नानी दादा दादी का त्योहार मना रहे हैं। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आप सब लोग आए हुए हैं प्रभु के आंगन में। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबको और ईश्वर से यही दुआ है कि आपको ईश्वर सुखी रखे, सुस्वस्थ रखे और अपने प्रति अपने विश्वास में बढ़ाए और जागृत करे, इस ठंड में बचाए। कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए, ईश्वर का अंतिम आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम निरंतर तेरे वरदानों की अभिलाषा करें और अपने मुक्तिदाता का जन्मोत्सव विशुद्ध मन से मना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग डाले प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। परमेश्वर को जय जय।